प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम को नए संसद भवन का औचक निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों से बातचीत की और निर्माण कार्यों में उनके योगदान की जमकर तारीफ की। उन्होंने नए संसद भवन की इमारत के अंदर तकरीबन एक घंटे से अधिक समय बिताया। बता दें कि दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक सुविधाओं वाले नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इस निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। नए भवन के उद्घाटन होने की संभावना जल्द ही है। नए संसद भवन में संविधान हॉल, संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग का स्थान भी है। पीएम मोदी ने नए संसद भवन के दोनों सदनों में दी जाने वाली आधुनिक सुविधाओं का भी अवलोकन किया। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 2020 में 971 करोड़ रुपए की परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वहीं इस इमारत का निर्माण कर रही है। माना जा रहा है कि परियोजना की लागत में इजाफा भी हुआ है।